अच्छा, ये मुख्तार जो था इसने प्रॉफिट क्लेम किया था, मुख्तार जो है मुख्तार। नहीं, बस इसको कज़्जाब कहते हैं कि वो कहता था मेरे पास फरिश्ता आता है, जिब्रील आता है, इस तरह की बातें लिखी है। मगर ये सब बात उसके दुश्मनों की फैलाई हुई है ना, बेकसक हदीस की किताबों में हो, मगर जो मुखालफीन थे दुश्मन से, अब नहीं, दुश्मन तो उसके हर तरफ से थे, उमरी हुकूमत भी दुश्मन थी क्योंकि उसने उनको ठिकाने लगाया, हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम का इंतकाम लिया, चुन चुन कर एक एक अफसर सिपाही को खत्म किया, वो भी दुश्मन से। अब्दुल्ला बिन जुबैर की बनी बनाई हुकूमत उसने खत्म करके कूफा में अपनी हुकूमत बना ली, इसलिए जुबैरी भी खिलाफ थे। अब शिया जो है वो भी नाराज है, वो भी कहते हैं कि नहीं, उसका सीना चीर कर देखा गया, उसमें ना अबू बकर उमर की मोहब्बत पाई गई, वो खारजी था, वो उनसे मोहब्बत करता था, सारा जान तो उसका हो गया दुश्मन, बाद में उसकी सफाई देने वाला कोई रहा ना। जी अब जब सब लोग सहाबा उसके पीछे नमाज पढ़ते थे और उसको ज़कात अदा करते थे, उससे वजीफे लेते थे, ये सब हदीस की किताबों में, अगर नबी बन गया था तो वो तो वाजिबुल कत्ल था, बिल्कुल उसके पीछे नमाज का सवारी नहीं पैदा था, मुर्ताद था। अच्छा, ये सारी बातें खुद इमाम इब्ने हजम ने ना अल मोहल्ला में लिखी है कि सहाबा किराम उसके पीछे नमाज भी पढ़ते थे, जुमे पढ़ते थे, इब्ने तैमिया ने भी लिखी है फतावे। सही है, नबी नहीं बना था, बस यही बातें हैं कि झूठ बातें उसकी तरफ मनसूब कर दी गई। ठीक है।